नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसे में कई लोग कई गलतियां कर दे रहे हैं, कई नादानियां कर दे रहे हैं, अपने मन से ही कई कदम उठा ले रहे हैं। ऐसे में ही एक कदम होता है ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर रख लेना, और बिना डॉक्टरी सलाह के जैसे ही ऑक्सीमीटर पर हमारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा गिरा, कि अपने से ही ऑक्सीजन खुद को चढ़ाना शुरू कर देना, या फिर बगल से ही किसी एक कंपाउंडर या किसी को बुला करके, गांव में आप देख रहे होंगे या फिर शहरों में कई जगह पर लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को घर ले आ रहे हैं और खुद से ही ऑक्सीजन चढ़ाने लग रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सबसे बड़े जानकार और डॉक्टर वो खुद ही हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये काफ़ी गलत बात है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर ले आए हैं और ऑक्सीजन चढ़वा ले रहे हैं तो कोरोना की जंग में आप जीत ही जाएंगे। क्या कुछ वो बता रहे थे, ज़रा सुनिए। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पर रख लूँ और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूँ पहले ही, तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएँ हैं, और यही मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा। ऑक्सीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है COVID-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशेंट है, और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सब टिश्यूज़ को, चाहे हम ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज़ रीचिंग दीज ऑर्गन्स। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94-95 है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको 98-99 करें, वो एक ऑक्सीजन का मिसयूज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो जुडिशियस यूज़ है, जब किसी व्यक्ति की सैचुरेशन 93 से कम हो, इससे पहले जब हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देते थे, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो हम कहते हैं, इनके लोगों जिनको ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े ख़राब हैं, वो अपना सैचुरेशन 88-90 पे भी ठीक काम चल जाता था, 92 पे भी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ काम चल जाता था और ठीक रहते थे। इसलिए ये पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा ही 95 रखनी चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92-93 है तो भी इट इज़ ऑल राइट, बट हम यही चाहते हैं कि एक बफर हो, जिससे ऐसा ना हो कि एकदम कम हो जाए और आपको हॉस्पिटल में पहुँचने में देरी हो जाए। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 94 से ज़्यादा है, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है। कम से कम हो रही हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और ज़रूरी, अगर ज़रूरी लगता है तो हॉस्पिटल ज़रूर आएँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए है, कि वी मस्ट मेक श्योर कि लीकेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो। और कई हॉस्पिटल्स में, और ये पहले ये था कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती थी, तो लोग ऑक्सीजन जो था वो बहुत लीकेज हो जाती थी। एक एग्जाम्पल दूंगा कि लोगों ने ऑक्सीजन लगाया नाक से, अब आपका खाना आ गया, आपने खाने के लिए बैठे, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग निकाली, बेड पे रख दी और खाना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से ऑक्सीजन बंद नहीं की, तो वो ऑक्सीजन जो ट्यूबिंग से निकली जा रही है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीकेज को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन को प्रिजर्व करें, उसकी लीकेज ना करें। तो जहाँ जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लीकेज के चांसेस हैं, ऑल हॉस्पिटल अथॉरिटी शुड मेक श्योर कि देर इज़ नो लीकेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पर गाइडलाइंस भी हैं। दूसरा जो हमने गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, आप घर पे हो, तो आप पेट के बल भी लेट सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। प्रोन पोजिशनिंग से आपकी डायफ्राम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है जहाँ पे लंग लोअर लोब ज़्यादा है, लंग का एक हिस्सा ज़्यादा है, दैट कैन एक्सपैंड मोर एंड यू कैन गेट मोर ऑक्सीजन। तो आपने सुना, इस वीडियो को सुनना और समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ सकते होंगे संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और लोग अपने से मनमानी करते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी दिख रही है,
जिस वजह से लोग घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले आ रहे हैं और खुद ऑक्सीजन लेना शुरू कर दे रहे हैं किसी कंपाउंडर या किसी एक अन्य व्यक्ति के सहारे जिसको वो ऑपरेट करने आता हो। लेकिन ये गलत बात है, ऐसे करने से ऐसा नहीं है कि आप कोरोना से जंग जीत जाएंगे। आप ज़रूर किसी ना किसी डॉक्टर से दिखवाएं, डॉक्टर की सलाह लें, तभी कोई कदम उठाएं, अन्यथा आपकी जान को जोखिम हो सकता है। बहरहाल हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहा कि आखिर करना क्या है, कैसे सावधानी बरतनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।